अलीगढ़ बन्ना देवी थाने के पुलिस द्वारा आईटीआई रोड पर रहने वाले आरएसएस के पदाधिकारी को नोटिस तामील करने के दौरान हुई अभद्रता पर बीजेपी ने नेताओं ने पूर्व में शकुंतला भारती ने नेतृत्व में थाने पर हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दिया। एसपी सिटी मौके पर पहुंचे तथा कहा कि मेरे स्टाफ ने अभद्रता की है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूं, और अजय, राजीव, अरविंद तीन पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करा दी गई है। सरकार नहीं है ये, बसपा की सरकार नहीं है ये, भाजपा की सरकार के अनुशासनशील कार्यकर्ता है। अगर हम अनुशासनहीनता करें तो आगे हमें बंद करिए, लेकिन हमारे बुजुर्गों के साथ कोई लेना ना देना। चप्पल नहीं पहनने दी, ठीक है ना? आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, मैं खुद इसलिए माफी इसलिए मांगना चाह रहा हूँ क्योंकि इस तरह का बर्ताव कहीं ना कहीं मेरी तरफ से नैतिक जिम्मेदारी और मेरा फेलियर, ठीक है ना? मैं ये भी कह रहा हूँ, आप तो संघ के वो हैं, मैं हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से ये सबको सख्त निर्देश दिए जाते हैं, सख्त से सख्त निर्देश दिया जाता है कि आम जनमानस के साथ ही इस तरह का बर्ताव ना किया जाए, ना किया, और अगर कहीं होता है तो ऐसा उदाहरण बनाया जाए कि अगला ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज में हमें और मेहनत करने की जरूरत है कि आज ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसी के चलते सर से भी बात होगी, सर ने लाइन हाजिर करते हुए सस्पेंशन की कार्रवाई चालू करवा दी है, ठीक है इस चीज के लिए। और मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ, आगे इस तरह से पुलिस का ना तो बन्ना देवी थाने का, ना सिटी या देहात के भी किसी थाने का इस तरह का कोई बर्ताव नहीं किया जाए। अगर होता है तो जैसे मैंने कहा, उनका भी उदाहरण बना के ये अगला ना करें, इस चीज को भी हम लोग सुनिश्चित करें। हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हम वो करेंगे, अपना बर्ताव और बेहतर करेंगे, आपके लिए तो करेंगे करेंगे, आम जनमानस के प्रति। अभी को हटाइए यहाँ से, भगाइए। राजनगर कॉलोनी का निवासी हूँ अजय मित्तल। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का महानगर सेवा प्रमुख का दायित्व मेरे पास में, और पुलिस जिसमें तीन दरोगा और छोटा सिपाही और एक महिला पुलिस भी थी, ये मेरे घर पर गए। मेरी पत्नी से इन्होंने पूछा कहाँ है उनका, मैं पूजा में बैठा तो उन्होंने कहा कि पूजा बैठे हुए, तो इन्होंने दो चार मिनट इंतजार किया होगा, फिर मेरी पत्नी ने कहा कि आए हुए, तो मैंने कह दो उनसे इंतजार कर लूँ। इन्होंने इंतजार नहीं किया, सीधे मुझे पूजा पे से उठा दिया, रामायण पढ़ रहा था मैं, वीडियो मौजूद है, हाँ, सीधे पूजा से खींचा है, और वहीं पर ये सब जूते पहने हुए गए थे मेरे पूजा घर में। कौन से धर्म भैया? मोहल्ला था जिसमें कराने के बाद दो तीन लोग इनके घर पर गए थे, और जहाँ भी उनका कहना है वीडियो में भी पुलिस द्वारा किया गया है, इसके चलते पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले को संज्ञान में लिया। तुम्हारी कवर कर रहा हूँ, अभी तीन लोग लग गए थे, उनको लाइन हाजिर करते हुए उन्हीं के विरुद्ध जो अग्रिम कार्रवाई करवाई जा सकती है।